हमारा विषय है जगत की ज्योति बनने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। ये हमारा विषय है और कुछ समय हम इसमें रह करके कुछ पाठ को सीखेंगे। तो पहली बात, हमें मालूम है ज्योति का महत्व को, और बिना ज्योति के या बिना लाइट के इंसान का इस पृथ्वी में रहना या जीना नामुमकिन जैसा है। इवन ये सिर्फ इंसान के लिए नहीं है, ये पूरे जीव जंतु के लिए है, पूरे पेड़ पौधों के लिए है। ये हर एक जो क्रिएचर्स, हर एक जो प्राणी इस जगत में पाया जाता है, बिना ज्योति के वो नहीं जी पाएगा। ज्योति हर एक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रभु इस मसीह ने जब इस दुनिया में थे, ज्योति के महत्व के बारे में बहुत शिक्षा दी, और उन्होंने उस अपने जीवन के द्वारा वो ज्योति या प्रकाश या लाइट उजाला का काम करके फिर उन्हें कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। ये जगत की ज्योति का मतलब, ज्योति का हम अगर सिंपल भाषा में इसको समझने की कोशिश करें, तो ज्योति का जो सिंपल काम होता है वो प्रकाश देना होता है, या किसी चीज़ को प्रकट करना होता है, ये स्पष्ट करना होता है। क्योंकि जब अंधेरा होता है, अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जैसे ही ज्योति आती है या लाइट ऑन होती है, तो हमें सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ज्योति का बहुत और भी बहुत सारी बातें हैं जो ज्योति के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, जो आप बहुत कुछ आप व्यक्तिगत रीति से भी सीख सकते हैं। लेकिन आज हम कुछ बातें इसके बारे में जानेंगे और इसके महत्व के बारे में जानेंगे, और बाइबल हमें क्या सिखाती है, कुछ व्यवहारिक बातें, उन चीज़ों का हम सीखेंगे। तो जैसे मैंने कहा, आज का विषय हमारा रहेगा जगत की ज्योति बनने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हमें बुलाया है ताकि हम जगत की ज्योति बने, यानी ये कैंडल जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये प्रकाश जो आप देख पा रहे हैं, अगर पुराने समय की बात करें हम, तो दिया हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे लैंप आए, जो आप स्क्रीन में भी साइड इस साइड में देख पा रहे होंगे, लैंप आए, फिर चिमनी टाइप की आई, फिर धीरे धीरे ये इवॉल्व होता रहा, डेवलप होता रहा। आज लाइट है और विभिन्न प्रकार की जो जो टेक्नोलॉजी और डिवाइस के द्वारा आज प्रकाश और ज्योति या लाइट का जो चीज़ें हैं बढ़ती जा रही हैं, और प्रकाश के लिए विभिन्न माध्यम अपनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को ज्योति मिले, और एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें काफ़ी डेवलप हो चुकी है। लेकिन हमें कहा गया है, यानी जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, उनको कहा गया कि तुम जगत की ज्योति हो। हमें ये जिम्मेवारी परमेश्वर ने दी है। तो जब आप वचन इवन बाइबल में पढ़ेंगे, मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। हमें ज्योति परमेश्वर ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। और जब मत्ती उसका 5 अध्याय 16 वचन हम पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी जो ज्योति है, तुम्हारा जो प्रकाश है, वो मनुष्यों में चमके, ताकि तुम्हारे भले कामों को देख करके लोग परमेश्वर पिता की महिमा कर सके। तो ये स्पष्ट है, साधारण शब्दों में कहें तो ज्योति का काम यही है कि हमारी भलाई के जो काम है, ये लोगों ये देख सकें, लोग इस चीज़ को देख सकें, हमारी भलाई के कामों को, और उससे परमेश्वर पिता की महिमा कर सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। और जब आप यूहन्ना उसका 8:12 पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द कहने से पहले वहाँ पर एक स्त्री को, जो पापी थी, उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप से
एहसास करवाया और जो लोग वहाँ की व्यवस्था के अनुसार उस पापिन स्त्री को माने जा रहे थे उनको भी एहसास करवाया, उनके जीवन में भी वो प्रकाश जो चमका उन्हें भी एहसास हुआ कि हम भी पापी हैं। प्रभु उस मसीह इस पापीन का जीवन बचाते हुए, इसके जीवन में वो जीवन की रोशनी डालते हुए इसको एहसास होता है और प्रभु इसके जीवन को बचा लेते हैं। और फिर प्रभु इस मसीह कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ, यानी उसके जीवन को प्रभु इस मसीह ने प्रकाश में लेके आया और उसका जीवन बदल गया। तो वो ज्योति हमारे जीवन को बदल देती है और हमारे पापों को एहसास करवा देती है, हमारे बुराई के काम को प्रकट करा देती है और फिर हम भलाई के काम करने के लिए हमें परमेश्वर प्रेरित कर देता है। तो जगत की ज्योति बनने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है या बुलाया है, तो हम लोग जगत की ज्योति होने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। ओके, जो हम महत्वपूर्ण बात आगे हम सीखेंगे, बाइबल ज्योति और अंधकार के विषय में क्या कहती है। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो बाइबल में हमें बहुत सारी बातें हैं जो सीखने को मिलेगी ज्योति के बारे में। लेकिन ज्योति का जो स्वभाव जो है उसे पवित्रता के रूप में भी प्रकट किया गया है कि ज्योति जो है एक पवित्रता का जीवन का एक प्रतीक भी है कि पवित्र जीवन जीना। जैसे आग में या ज्योति में, या स्पेशली मैं अगर बात करूं फायर की, आग की, आग में आप कुछ भी चीज़ें डालो वो राख कर देती है, उसे बिल्कुल ख़त्म कर देती है, उसको रखती ही नहीं, सारे कूड़े करकट को जला करके राख कर देती है। और आग की पवित्रता को कोई भी दूषित नहीं कर सकता। तो परमेश्वर भी एक प्रतीक के रूप में कहते हैं कि पवित्रता का प्रतीक भी वो ज्योति या लाइट है, भलाई का एक प्रतीक है, अच्छाई या भलाई का, ज्ञान का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो नॉलेज है और जो ज्ञान है वो भी एक ज्योति का प्रतीक कहा जाता है, और बुद्धि को भी ज्योति का प्रतीक कहा जाता है, अनुग्रह को ज्योति का प्रतीक कहा जाता है, आशा को ज्योति का प्रतीक कहा जाता है। और परमेश्वर स्वयं ज्योति के रूप में अपने आप को बाइबल में प्रकट करते हैं। तो ज्योति के प्रतीक के रूप में बहुत सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो उसके विपरीत में अंधकार, अंधकार को बुराई भी कहा जाता है, पाप कहा जाता है, निराशा कहा जाता है, इन चीज़ों से जो है अंधकार को जोड़ा जाता है। अंधकार की बहुत बड़ी परिभाषा भी हो सकती है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट भी हो सकती है अंधकार के कामों के। जब हम पत्रियों से पढ़ते हैं तो पत्रियों में पौलुस उन चीज़ों का विवरण देता है। तो सिंपल भाषा में कहें तो ज्योति जो है उसमें अच्छाई जुड़ी होती है, जो अच्छे काम हैं, अच्छाई के जितने भी काम आते हैं, पवित्रता के जितने भी काम आते हैं वो सब ज्योति में आते हैं, और बुराई के जितने भी काम आते हैं अंधकार में आते हैं। तो आज आपको मुझे अपने आप को जांचने की भी आवश्यकता है, क्या हमारे अंदर ज्योति के स्वभाव हैं और या हमारे अंदर अंधकार के स्वभाव है। अगर हमारे जीवन में आज भी अंधकार का स्वभाव है तो उस चीज़ को हमें अपने जीवन से दूर करना है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। तो जगत की ज्योति अगर उसने हमें कहा है, अगर वो स्वभाव हमारे अंदर नहीं है तो हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। ओके, जो आगे मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, जो दूसरी बात हम आज सीखने पाएंगे वो है, ओके, जो पहली बात हम आज इस भाग से सीखेंगे, जैसे आज का विषय है कि जगत की ज्योति बनने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। पहली बात जो हम सीखने जा रहे हैं वो है परमेश्वर का अपने बच्चों के प्रति उम्मीद। परमेश्वर जिसने हमें कहा है कि हमें, हम जगत की ज्योति है, उसकी एक उम्मीद है हमसे। हम जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी लोग हैं, हम सबसे एक उम्मीद परमेश्वर की जुड़ी हुई है। और ये उम्मीद आप जैसे पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, एक चित्रण है ये। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे और कहते थे कि बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि बच्चों का जो स्वभाव एक्चुअली होता है वो बहुत ही स्पष्ट होता है,
और बहुत ही साधारण होता है। उनके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं होती है और उनका जो स्वभाव बहुत कोमल स्वभाव होता है और वो बहुत स्पष्ट होते हैं अपने स्वभाव में। कोई भी छल कपट उनके जीवन में नहीं होते हैं और वो बच्चे जो है जो बहुत ही स्वभाव के अपने बहुत ही कोमल और नॉर्मल होते हैं और जो भी उनके अंदर होता है वो चीज़ों को स्पष्ट कह देते हैं। उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता है, वो बहुत ही स्पष्ट होते हैं। तो परमेश्वर का अपने बच्चों के प्रति जो उम्मीद है, परमेश्वर जो हमसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि हम लोग ज्योति और भलाई का के लिए अपना जीवन को हम व्यतीत करें, वो परमेश्वर हमसे चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं, हम सभी जो उसके बच्चे हैं उनसे उसकी बहुत बड़ी उम्मीद है। वो एक सिंपल से बात में अगर आपको कहूँ, ये व्यवहारिक बात कहूँ, तो जब आप और मैं काम करते हैं तो हमारी एक उम्मीद होती है कि हमें वेतन मिले, इसीलिए इंसान काम करता है। और बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं, उनकी भी एक उम्मीद होती है कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं। ये उम्मीदें हर इंसान की इस दुनिया में होती हैं। साथ ही जब आप खेत में काम करते हैं, जब आप बीज बोते हैं, तो आपकी एक उम्मीद होती है कि आने वाले समय में आपकी अच्छी फसल निकले, ये आपकी उम्मीद होती है। तो माँ बाप की अपने बच्चों के प्रति उम्मीद होती है कि उनके बच्चे बड़े होकर के उनका ख्याल रखें। उसी प्रकार से पिता परमेश्वर, उस पिता परमेश्वर परमेश्वर के हम जो उसके संतान है, उसकी बहुत बड़ी उम्मीद हमसे है। और ये उम्मीद जब आप व्यवस्था विवरण 26 अध्याय पढ़ेंगे, उसका एक वचन से चार वचन तक पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ फादर अनिल इस वचन को पढ़े, व्यवस्था विवरण 26 अध्याय उसका एक वचन से लेकर आगे। जब इस वचन को आप पढ़ेंगे तो इस वचन में हमें कुछ बातें को समझने पाएंगे कि परमेश्वर की क्या उम्मीद है हमसे, ताकि हम लोग ज्योति का कारण या भलाई का कारण बने। व्यवस्था विवरण 26 अध्याय एक वचन से आगे। जी। फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है पहुंचे और उसका अधिकारी होकर उनमें वस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करके चुन ले। ओके, थैंक यू फादर अनिल। ओके, यहाँ पर जो मैं महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की एक उम्मीद है अपने लोगों पर कि जब परमेश्वर हमें आशीष देता है, और ऑफ कोर्स परमेश्वर ने हम मनुष्यों को किसी न किसी प्रकार की आशीष इस धरती पर दी है, और इजराइलियों को परमेश्वर ने वो एक उपजाऊ भूमि यानी कनान देश परमेश्वर ने उन्हें दिया। आज वो कनान देश आपके लिए मेरे लिए वो जगह है जहाँ पर आप और मैं हैं, वो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये हमारा नहीं है। आप जहाँ भी काम करते हैं, जहाँ पर भी आप हैं, वो परमेश्वर ने आपको दिया है, और परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप और मैं उसकी जो भांति भांति की उपज, ये उपज आपकी वो कमाई है। ये जरूरी नहीं है कि हर एक खेती करे, अगर हर एक खेती करेगा तो पैसा कहाँ से होगा। ये कहने का सिंपल तात्पर्य यह है कि आप जहाँ पर भी काम करते हैं, आपकी कमाई का जो पहला अंश है, और दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ जो दसवांश है, हमें उसको परमेश्वर के भवन में लाने की आवश्यकता है, परमेश्वर को देने की आवश्यकता है। अगर हम ऐसा देते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है। अब यही इसी चीज़ को प्रभु यीशु मसीह ने नया नियम में, जब मरकुस की सुसमाचार 6 अध्याय और 30 वचन से 44 वचन तक पढ़ेंगे, और इवन मत्ती के सुसमाचार में, यूहन्ना के सुसमाचार में, लुका के सुसमाचार में सेम दृष्टांत को और इस घटना को आप सीखने पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 लोगों को आप खाना खिलाते हैं। आप भीड़ देखने पा रहे होंगे, स्क्रीन में आप भीड़ देखने पा रहे होंगे। ये दृश्य और ये घटना उसी इसी
व्यवस्था विवरण का एक दूसरा एक पहलू है, या दूसरा उसका एक प्रतिछाया है या प्रकटीकरण है कि परमेश्वर प्रभु इस मसीह के पास जब दो मछली और 5 रोटी टोकरी में लेके आते हैं तो परमेश्वर उसे आशीष देते हैं और वो आशीष 5,000 लोगों में बंटती है। आप थोड़ा सोचिए, 5 रोटी 2 मछली 5,000 लोगों ने खाई। इसका सिंपल ये हमारे लिए संदेश है कि परमेश्वर हमारी कमाई का परमेश्वर उसमें 100 गुना आशीष देता है। उन्होंने 5 दिया, उसको 5,000 कर दिया, यानी 100 गुनी आशीष परमेश्वर ने उनकी 5 रोटी और 2 मछली में दी है। और परमेश्वर वही कहना चाहता है कि अपनी खेती से अपनी कमाई का पहला अंश तुम परमेश्वर के भवन में लेके आओ, परमेश्वर के पास लेके आओ। जब हम भेंट देते हैं, दशमांश चढ़ाते हैं, प्रभु आशीष देता है। आज अगर कलीसिया में या मसीह समाज में आज अगर तरक्की उन्नति नहीं है, कारण यही है क्योंकि परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर की उम्मीदें जो हमसे है उसमें हम खरे नहीं उतर रहे हैं। अगर उसमें खरे उतरेंगे परमेश्वर हमें आशीष देगा, ये उसका सिद्धांत है, ये परमेश्वर का आशीष देने के एक लॉ है, ये नियम है, ये कानून है जो परमेश्वर ने दिया है मनुष्य जाति को। तो आज मैं आप सबों को, और ये मेरे लिए, हम सब के लिए है, क्या आप हमें विश्वास योग्य हैं? अगर नहीं तो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है विश्वास योग्य बने। मुझे आज भी याद है जब हरियाणा में थे तो लोग अपने घर से, उसे कहते हो ग्रही, घर की खेतों के 10 अंश चर्च में लेके आते थे, सब्जी लेके आते थे। तभी तो हरियाणा में हम देखते इतनी आशीष है लोगों के खेतों में, कमाई में आशीष है। पंजाब में आप देखें वो भी अपने ग्रही को देते हैं, यानी घर का हर एक चीजों का अंश, 10वां अंश देते हैं, इसीलिए वहां पर आशीष है। अमेरिका में लोग अपना टाइथ देते हैं, इसीलिए आशीष है। जो जो परमेश्वर के सिद्धांत का, लॉ का पालन करेंगे परमेश्वर 100 गुनी आशीष देगा। ये परमेश्वर का एक सिद्धांत है आशीष देने का। और ये सारे भागों को मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन वचन 11 में फादर नील से मैं उम्मीद करता हूं कि पढ़े हमारे लिए। व्यवस्था विवरण 26 का 11 वचन भी पढ़े। तब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना। ओके, आप साथ ही उसका 4 वचन भी पढ़ दीजिए, 26:4। तब याजक तेरे हाथ से वहां टोकरी लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने धर दे। आमीन। ये सिंपल सा बात है, परमेश्वर यही चाहता है। 11 वचन में भी इस प्रकार से लिखा है कि जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है तेरे घर को दे, उसके कारण तू लेवियों और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों से आनंद करना। यानी ये सारी चीजें के आनंद, इसका लाभ आप उठाने पाएंगे, तभी उठाने पाएंगे, तभी आप आशीष पाएंगे जब आप और मैं अपनी कमाई का अंश परमेश्वर के भवन में लेके आएंगे, प्रभु के दासों के द्वारा प्रार्थना उसमें करेंगे, करवाएंगे, तो उसमें आशीष। ये सिंपल सा सिद्धांत परमेश्वर ने दिया है। और क्यों हमें 10 मासों भेंट चढ़ाने की आवश्यकता है, क्यों हम चढ़ाने की जरूरत है? क्योंकि परमेश्वर एक्चुअली, जब आप 13 वचन पढ़ेंगे उसका मैं लास्ट पैरा पढ़ना चाहता हूँ, और लेबीय परदेशी अनाथ और विधवाओं को दे दिया है, तेरी किसी भी आज्ञा को मैंने न टाला है और न भूला हूँ। ये परमेश्वर के दास इस प्रकार से 13 वचन में कहता है, और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, मैंने तेरे सब वस्तुओं के अनुसार
पवित्र ठहराई हुई वस्तु को अपने घर से निकाला और लेबिय परदेशी अनाथ और विधवा को दे दिया है। जब आप हमें अपनी भेंट को, अपनी कमाई के अंश को विश्वास योग्यता से देते, परमेश्वर आशीष देता है, क्योंकि ये इस्तेमाल किया जाएगा लेबियों के लिए, यानी प्रभु के सेवकों के लिए, परदेशियों के लिए, जो जरूरतमंद लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, जरूरतमंद हैं, जिनको घर की आवश्यकता है, जिनको भोजन की आवश्यकता है, जिनको एजुकेशन की आवश्यकता है, उस चीज़ों, उस उपकार के लिए धन का इस्तेमाल किया जाता है। अनाथों को, विधवाओं के लिए ये धन का इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य के लिए चर्चों के द्वारा किया जाता है। तो जब हम ये काम करते हैं, परमेश्वर हमसे खुश होता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारी भलाई के काम के द्वारा, हमारे अच्छे कामों के द्वारा परमेश्वर को महिमा होने पाए। तो परमेश्वर की आपसे और मुझसे यही उम्मीद है, अपने बच्चों से ये उम्मीद है कि हम अपनी कमाई का अंश जरूर विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर को दें, ताकि ये जो है अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, परदेशियों के लिए, जरूरतमंदों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए और प्रभु के राज्य के लिए किया जाए, ताकि हमारे अच्छे कामों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। यही उम्मीद परमेश्वर हमसे रखता है। हाल में ही मैं अपने परिवार के साथ एक पिक्चर देख रहा था, वो है थैंक गॉड। बहुत ही अच्छी मूवी है, सेकुलर मूवी है, थैंक गॉड, अजय देवगन की है, लेकिन बहुत बड़ा संदेश उसमें है। संदेश का सारांश जिस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप और मैं जो कुछ भी इस पृथ्वी में कर रहे हैं, उस सब परमेश्वर की जीवन की पुस्तक में सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब चीज़ें वो रिकॉर्ड हो रहा है। अगर हम जरूरतमंदों के लिए और बेसहारों के लिए मदद कर रहे हैं अपने धन कमाई के द्वारा, जितना भी हमारे पास है, परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें स्वर्ग में देने जा रहे हैं। तो जरूर आप उस मूवी को देखें, बहुत बड़ा शिक्षा उसके अंदर है। तो जो भी आप हमें इस संसार में कर रहे हो, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। आप अच्छे काम कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छे काम कर रहे हैं तो जस्ट मैं उस पिक्चर के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने जो पिक्चराइज किया है, वो वाइट बॉल आपके रिकॉर्ड में चढ़ रही है। अगर आप जितने भी उपकार के काम नहीं कर रहे हो, यानी गलत काम कर रहे हो, ब्लैक बॉल आपके रिकॉर्ड में चढ़ रही है। और दूसरी बात शब्दों में कहें तो आपकी भलाई के काम जो है जीवन की पुस्तक में रिकॉर्ड होते हैं, बाइबल के अनुसार। जितने भी अच्छे काम करते हैं परमेश्वर की जीवन की पुस्तक में, वो सब चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है। तो आप और मैं, ये उम्मीद परमेश्वर हम लोगों से लगाए हुए, ये है ज्योति के काम, भलाई का काम करना। और मैं आशा करता हूँ कि जो 5 रोटी और 2 मछली वो लेकर के जो बच्चा या कोई भी व्यक्ति प्रभु के पास आया होगा, वो कितना आशीष का कारण बने। यही है ज्योति के काम, एक्चुअली यही है ज्योति का काम, यानी दूसरों के लिए लाभ का कारण बन जाना, दूसरों के लिए भलाई का कारण बन जाना, दूसरों का जीवन बचा लेना, दूसरों का सहयोग, दूसरों की मदद करना। तो ये उम्मीद परमेश्वर के हमसे है। अगर आप विश्वास योग्य देने में, परमेश्वर का धन्यवाद। अगर नहीं है तो हमें बनने की आवश्यकता है। ओके, मैं जस्ट आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगली बात जो हम सीखेंगे वो है, दूसरी बात जो हम सीखेंगे वो है, परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध रख सकता है। पहली बात जैसे हमने सीखी, अभी दूसरी बात, परमेश्वर हमसे उम्मीद रखता है, और दूसरी बात हम सीखेंगे परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध रख सकता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें शुद्ध और पवित्र कर सकता है। जब आप भजन संहिता 119 पढ़ेंगे तो जस्ट मैं आपके लिए पढ़ना चाहता, फादर अनिल आप निकाल सकते हैं भजन संहिता 119 और उसका 9 वचन आप पढ़ें। भजन 119 उसका 9 वचन। जी जी, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, वचन के अनुसार सावधान रहने से। वचन 11, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ओके, वचन 16, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन जो है
जैसे भजनकार भी कहते हैं कि ये सिर्फ जवानों के लिए नहीं है, आप यहाँ पर हम जितने भी हैं हम सबको परमेश्वर का वचन जो है शुद्ध कर सकता है, और वचन तेरे वचन के अनुसार हमें सावधान रहने के लिए हमारी मदद कर। यह परमेश्वर का वचन जो है हमें शुद्ध और पवित्र करने की शक्ति रखता है। अब कुछ उदाहरणों के द्वारा जिसमें आपको समझाना चाहता हूँ कि वचन में वो शक्ति है, वचन में वो जीवन है, वचन में वो एक सामर्थ्य है जो आपको मुझे शुद्ध और पवित्र कर सकता है। आप शुद्धिकरण के लिए पुराने नियम में, जो आप यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर आप देख पा रहे होंगे तो स्क्रीन में, तो पुराने समय में भी परमेश्वर एक व्यवस्था दिया था, वचन दिया था, कानून दिया था कि किस तरीके से आपने पापों से आप शुद्ध हो सकते हैं। तो उसकी एक विधि थी, बलिदान किया जाता था, और बलिदान करने के बाद खून छिड़का जाता था। खून छिड़कने के बाद याजक यहाँ पर अपने आप को हाथ और पैर धुलते थे। हाथ पैर धुलने के बाद फिर वेदी के सामने वहाँ पर जाते थे और मध्यस्थता करते थे। तो एक एक शुद्धिकरण का ही प्रक्रिया था। आप यहाँ सेकंड स्क्रीन में देख पा रहे हैं, एक हौदी हुआ करती थी, इसमें याजक हाथ धुलते थे, पैर धुलते थे साइड में, और फिर जा कर के फिर बलिदान चढ़ाते थे परमेश्वर के सामने हमारे लिए, या मनुष्यों के लिए जो पापी पाप करते थे, जो गुनाह करते थे, जो परिवार भवन में आते थे, तो उनके पापों की शुद्धिकरण के लिए प्रक्रिया थी शुद्ध करने के लिए। और यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, तो उन्होंने अपने चेलों को पैरों को धुला, और पैरों को धुल करके उन्होंने उस विधि को पुनः जारी रखा। ये एक्चुअली शुद्धिकरण हमारे पैरों के द्वारा इंसान ही पाप करता है ना, क्योंकि अगर चोरी भी करेगा तो सर तो चोरी करने के लिए जा नहीं सकता है, जाएंगे तो पैर ही, तो पैर जाएंगे तो फिर तभी जा करके वो चोरी कर पाएगा, है ना। किसी को मारना है तो मारने के लिए भी पैरों के द्वारा वो जा सकता है, हाथों के द्वारा फिर वो मारेगा। तो पैर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है जो शुद्धिकरण के लिए होना बहुत जरूरी। पैर के द्वारा इंसान चल करके हर चीजें करता है, क्योंकि ये जो है मेन भाग है शरीर का। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है उनके पैरों को धोता है, शुद्धिकरण उनका करता है, और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अब तुम शुद्ध किए जाते हो। और प्रभु यीशु मसीह जो है जब इस धरती पर थे, तो उन्होंने जो है अपने चेलों के विचारों को, उनके हृदयों को, उनके मनों को जांच लेता था, वो जान लेता था कि ये अब डर चुके। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे वो चिंतित थे, वो परेशान थे, वो व्याकुल थे, उनको यही चिंता सता रही थी। वो तो कुछ तो इवन जब आप सुसमाचार के भागों को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़ने से पहले पढ़ेंगे, तो योना और जेम्स प्रभु यीशु मसीह के पास आते, कहते हैं कि हमें ऐसा अधिकार दे कौन आपके राइट में बैठेगा कौन लेफ्ट में बैठेगा। वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह उनको फिर डांटते हैं, फटकारते हैं, और उनके मन में वही था, संसार का लोभ, संसार की लालच, संसार का अधिकार, ये सब चीजें उनके जीवन में था। परमेश्वर उनको कहता है कि तुम में से अगर कोई बड़ा बनना चाहता है तो सबका दास बने। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनके पैरों को धोते हैं और उन्हें ये संदेश देते हैं कि परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा वो है जो अपने आप को सबसे दीन और नम्र बने, यानी जो सेवक है। प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा उनके मन शुद्ध हो जाते हैं, उनके हृदय शुद्ध हो जाते हैं। वो अधिकार के लिए लड़ते नहीं हैं, वो पैसे के लिए लड़ते नहीं हैं, वो इज्जत के लिए लड़ते नहीं हैं, सम्मान के लिए लड़ते नहीं हैं, क्योंकि उनके हृदय परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा शुद्ध किया। और जब आप ये दूसरी स्क्रीन नामान के बारे में, पिछले बार मैंने आपको सिखाया था, नामान एक छोटी से लड़की की गवाही के द्वारा परमेश्वर के दास एलिशा के पास जाता है, और एलिशा उसे कहता है तो 7 बार यरदन नदी में डुबकी मार। ये वचन परमेश्वर के दास ने कहा, वचन के अनुसार जब उसने 7 बार डुबकी मारी तो शुद्ध हो गया, चंगा हो गया। यानी जब परमेश्वर के वचन को हम मानते हैं उसके द्वारा चंगाई मिलती है, ये नहीं कि डुबकी मारने से उसे चंगाई मिली, नहीं, वचन के द्वारा, क्योंकि उसने वचन का पालन किया है। जब आप हमें
परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, वही हमारे जीवन में शुद्धिकरण लेके आता है। वही वचन हमारा हमारे जीवन को बदलता है। वचन में वो जीवन है जो हमारा जीवन को बदल सकता है। वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह रोगियों को चंगा करते थे। वचन के द्वारा परमेश्वर लोगों को शिक्षा देते थे और वचन के द्वारा इस पूरी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया है। तो परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध रख सकता है। इस वचन का पालन करें, इस वचन को पढ़ें, इस वचन को याद करें और इस वचन के द्वारा आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, आपका मन शुद्ध हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, जब आप लोगों की गवाही को सुनेंगे, लोग स्वयं कहेंगे कि मैं बहुत चिंतित था, बहुत परेशान था, परमेश्वर का वचन मेरे पास आया और मेरा जीवन बदल गया। परमेश्वर का वचन हमारा जीवन को बदल सकता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र कर से अशुद्ध जीवन को, स्वार्थी जीवन को, अहंकारी जीवन को, घमंडी जीवन को, लड़ाई झगड़ा करने वाले जीवन को परमेश्वर का वचन बदल सकता है। जैसे याकूब और योना का जीवन परमेश्वर ने शुद्ध किया वचन के द्वारा, हमारा जीवन भी शुद्ध कर सकता है। यह नामान के जीवन को जो उस कोड से उसे छुटकारा मिला वचन के द्वारा, आज हमारे जीवन में भी शायद ये कमियां हैं, अशुद्धता है हमारे सोच में, हमारे व्यवहार में, हमारे कार्य में। अगर अशुद्धता है तो परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को शुद्ध करने के लिए प्रभु के सामने समर्पित हो जाए, दीन बने, नम्र बने, आज्ञाकारी बने, तभी परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करेगा, हमारे जीवन को बदलेगा। तो अगर हमारे जीवन में कोई कमी घटी है, परमेश्वर को मौका दें। जैसे हम पानी से नहाते हैं ना, साबुन लगा करके नहाते हैं, फिर हम शुद्ध हो जाते हैं शरीर में, लेकिन हमारे अंदर कितनी गंदगी है। इस गंदगी के लिए कोई केमिकल नहीं है, इस गंदगी के लिए हमारे सोच में इतनी गंदगी है, हमारे विचारों में इतनी गंदगी है, हमारे जीवन में इतनी गंदगी है, इसको कैसे धुलोगे? शरीर को तो साबुन से धुल सकते हो, पानी से धुल सकते हो, बड़े विभिन्न साबुन आ गए आजकल, तो इनके द्वारा धुल सकते हो, लेकिन अंदर कैसे धुलोगे? अंदर धुलना है तो परमेश्वर का वचन को जाने दो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो। परमेश्वर का वचन आपको व्याकुल करेगा, अंदर से शुद्ध करेगा, और आप अंदर से भी शुद्ध हो जाएंगे जब वचन को पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे, वचन को काम करने देंगे। परमेश्वर आपके जीवन को शुद्ध करेगा। प्रभु हमारी मदद करें। आगे हम बढ़ना चाहते हैं। जो तीसरी बात आज मैं आपको बताना चाहता हूं वो है ज्योति की संतान की नाय चलना। ज्योति की संतान की नाय चलना, जई पीसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 1 वचन से लेकर 14 वचन तक आप पढ़ेंगे, वहां पर आप सीख नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूं फादर अनिल पढ़े 1 वचन को, इफिसियों उसका 5:1। इफिसियों उसका 5:1। इसीलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश्य बनो। ओके, थैंक यू। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का सदृश्य इस्तेमाल किया गया, और दूसरे में अनुसरण करो और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। ओके, जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो कहा गया है अनुसरण करो। अंग्रेजी भाषा में कहें तो उसे इमिटेटर कहते हैं, यानी नकल करो, उसकी नकल करो या उसके अनुसरण करो, दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया। आप स्क्रीन में देखने पा रहे हैं एक बतख, बतख के बच्चे देखो, बतख के पीछे पीछे चल रहे हैं ना, तो माँ आगे चल रही, बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं, सीख रहे हैं माँ के समान। ओके, यहाँ पर देखो प्रभु यीशु मसीह चल रहा है पिक्चर में, और छोटा बच्चे को देखो कदम बाय कदम उस स्टेप को बढ़ा रहा है, यानी पीछे चल। बच्चे भी एक्चुअली बहुत ही, जैसे मैंने कहा, बच्चे बहुत ही शुद्ध मन के होते हैं, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, क्योंकि वो मन के शुद्ध होते हैं और उनके मन में कोई कपट नहीं होता है, उनके मन में कोई अहंकार नहीं होता है, कोई घमंड नहीं होता है, कोई ईर्ष्या नहीं होती है, कोई द्वेष नहीं होता है, किसी प्रकार के कोई इस प्रकार के स्वार्थीपन नहीं होता है,
और बच्चे बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं और इमिटेट करने में, नकल करने में, अनुसरण करने में बहुत ही माहिर होते हैं। अभी मेरा बेटा छोटा है तो उसके सामने मैं कुछ एक्शन करता हूँ तो अभी वो फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। जैसे अगर मैं मुंह ऐसा खोलूँगा तो ऐसा करेगा, ऐसा करने की कोशिश कर। तो बच्चे इमिटेटर होते हैं, अनुसरण करने वाले होते हैं। तो आज ज्योति के संतान की नाई चलना, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आपको और मुझे जो ज्योति के संतान है, यानी जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हम उसकी अगर कहते हैं हम परमेश्वर के संतान है, तो क्या आपके अंदर मेरे अंदर वो ज्योति के संतान वाला स्वभाव है? वो स्वभाव क्या होना चाहिए? वचन स्पष्ट कहता है, वचन कहता है कि प्रेम में चलो। क्या प्रेम हमारे अंदर है? अगर नहीं है तो परमेश्वर से कहें, प्रभु प्रेम जो आपके जीवन में है उस वो मेरे जीवन में आने के लिए प्रभु मदद और सहायता करें। और पवित्रता क्या हमारे जीवन में है? अगर नहीं है तो परमेश्वर से कहें, प्रभु पवित्रता मेरे जीवन में दे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक ज्योति है, और ज्योति का जो काम होता है वो है भलाई। क्या हमारे हम भलाई करने वाले हैं? अगर नहीं है तो परमेश्वर के प्रभु भलाई का स्वभाव हमारे जीवन में दे। नौ वचन जो में आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य। क्या हमारे अंदर आज धार्मिकता है? क्या हमारे अंदर सचपन है? क्या हमारे अंदर धार्मिकता और भलाई के काम है? क्या हम प्रेम करने वाले हैं? क्या हम पवित्र हैं? ये एक स्वभाव क्या आज हमारे अंदर है? अगर नहीं है तो आप हमें परमेश्वर की ज्योति के संतान के नाई नहीं चल रहे हैं। ज्योति का संतान का काम होता है सारी भलाई का काम करना, धार्मिकता का काम करना, सत्य का काम करना, प्रेम के व्यवहार जीवन जीना। अगर ये नहीं हम कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के संतान नहीं है। और देखो, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन, यहाँ पर ये देखो, ये इनका फॉलोअर बहुत ज़्यादा है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक ही बच्चा चल रहा, 12 ही चेले थे उनके सिर्फ जो उनको फॉलो कर रहे थे। लेकिन यहाँ स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं गलत काम करने वालों के, लड़ाई झगड़े करने वालों के बहुत फॉलोअर, बहुत उनके पीछे। कहीं मैं कुछ समय पहले कोई प्रोटेस्ट चल रहा था और प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग थे वो जो कभी किसी का शीशा तोड़ रहे थे, कहीं गाड़ी में आग लगा रहे थे। तो उनको पूछा जा रहा था, भाई तुम क्यों कर रहे हो? कुछ लोगों की बात तो जवाब भी नहीं था, कह रहे वो मेरा दोस्त है, उसने बोला था मुझे ऐसा करने के लिए इसलिए मैं आ गया। उसको कुछ पता ही नहीं उनको क्यों। तो इसी प्रकार ने अंधकार की शक्तियों ने, यानी अंधकार ने, उसकी शक्ति ने, शैतान ने इनकी आंखों को अंधा कर रखा है और पूरे लोग उनके पीछे चलते जा रहे हैं, सारी काम वो करते जा रहे हैं जो करने नहीं चाहिए, उनको मालूम ही नहीं क्यों कर रहे हैं। तो अंधकार के जो काम है वो किस प्रकार के काम है, देखो लिखा हुआ है व्यभिचार। व्यभिचार एक्चुअली अंधकार यानी शैतान, शैतान के संतान के काम है। व्यभिचार, अशुद्ध काम, लोभ, लोभ की चर्चा तक। लोभ तो एक है ही, लालच है ही, उसकी चर्चा भी अगर करें, निर्लज्जता, मूर्खता की बातचीत करना भी एक्चुअली अंधकार के संतान का काम है। यानी हम अंधकार का अनुसरण कर रहे हैं। अगर हमारे जीवन में व्यभिचार है तो हम अंधकार की संतान की नाई चल रहे हैं। अगर हमारे अशुद्ध काम हम कर रहे हैं, अंधकार की संतान के अनुसरण हम कर रहे हैं। लोभ, लोभ की चर्चा करना, लोभ करना, निर्लज्जता की बातचीत भी करना। अगर हम बातचीत भी कर रहे हैं निर्लज्जता की, तो एक्चुअली हम किसके अंधकार के संतान की नाई चल रहे हैं। अशुद्धता, लोभ, मूर्ति पूजा, ये सारी चीज़ें अगर हमारे जीवन में है, लड़ाई झगड़ा अगर हमारे जीवन में है, द्वेष हमारे जीवन में है, ईर्ष्या हमारे जीवन में, घमंड हमारे जीवन में, अहंकार हमारे जीवन में है, स्वार्थपन हमारे जीवन में है, अगर ये चीज़ें हैं तो हम ज्योति के संतान की नाई नहीं चल रहे हैं। हम चल रहे हैं तो किसके समान चल रहे हैं? शैतान या अंधकार के संतान की नाई चल रहे हैं। प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। और परमेश्वर के पीछे चलने का सिंपल सा है, प्रेम में चले, सिंपल है सत्य में चले, सिंपल है धार्मिकता में चले, और सिंपल है
कि हम भलाई के काम करें, वही है ज्योति के काम। ज्योति जब प्रकाशित होती है इसको सबको फायदा मिलता है, यानी जीव जंतु पशु पक्षी सबको फायदा मिलता है ज्योति का, सबको जीवन मिलता है। अंधकार से सब चीजें मुरझा जाती है, सब चीजें मर जाती है। इवन अंधकार, अगर एक दिन लाइट डाउन न जाने कितने लोग मर जाएंगे, ये मैं फिजिकल लाइट की बात ही संसार में कह रहा हूँ। अगर एक दिन धूप ना आए तो पता नहीं कितने प्राणी मर जाते हैं, इंसान भी मरते हैं, जीव जंतु भी मरते हैं, पेड़ पौधे भी मरते हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो ज्योति का काम है जीवन देना और ज्योति का काम है भलाई का। तो आप और मैं परमेश्वर से कहें, प्रभु हम आपके सदृश चलना चाहते हैं, आपका अनुसरण करना चाहते हैं। प्रभु जब आप इस दुनिया में थे तो आपने भलाई के काम किए, लोगों ने आपकी बुराई की लेकिन आप भलाई करते रहे, लोगों ने आपके ऊपर थूका, लोगों ने आपको मारा, लोगों ने आपको क्रूस में चढ़ाया, लेकिन प्रभु आपने क्रूस में भी उनको कहा, हे पिता ये नहीं जानते क्या कर रहे, नहीं क्षमा कर। ये है ज्योति के काम, भलाई करना, जीवन देना लोगों को, वो है ज्योति के काम। प्रभु से कहें, प्रभु ऐसा ज्योति का काम करने के लिए प्रभु तो हमें आशीष दे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज भी प्रभु के ऐसे दास हैं जो अपने जीवन की कुर्बानी के द्वारा लोगों के जीवन को प्रकाशित कर देते हैं। मदर टेरेसा का जीवन को देखिए, ग्राम स्टेन के जीवन को देखिए, जिन्होंने अपने जीवन प्रभु के लिए कुर्बान कर दिया और दूसरों के लिए ज्योति के कारण बन गए, आशीष का कारण बन गए, जीवन का कारण बन गए। ऐसा जीवन परमेश्वर हमसे चाहता है। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ, अगली बात बता करके मैं जस्ट समाप्त करना चाहता हूँ। अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए। जब आप यूहन्ना उसका 9 अध्याय पढ़ेंगे, उसका 1 वचन से 41 वचन तक आप पढ़ेंगे, यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी एक घटना से हमारा परिचय होगा कि यहाँ पर एक्चुअली एक जन्म का अंधा है, जन्म से अंधा। स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस जन्म के अंधे के आँखों में मिट्टी सान के लगाता है, और मिट्टी सान के लगा करके उसको प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जा, तू जा करके अपने इसको सीलो में जा और धुल ले अपनी आँखों को। और जब वो जाता है तो देखने लग जाता है, और ये व्यक्ति जो है जब ठीक हो जाता, आश्चर्य की बात ये है, ये व्यक्ति जब ठीक हो जाता है, चंगा हो जाता है, वहाँ के व्यवस्थापक इसके पीछे पड़ जाते हैं और कहने लगे, अरे तू कैसे देखने लग गया भाई, तो उसको किसने ठीक किया? तो ये कहता है कि मुझे तो मालूम नहीं किसने किया, लेकिन एक व्यक्ति ने मुझे छुआ, यीशु है वो। वो वचन में आई थिंक जब हम पढ़ते हैं 10 वचन में, तब उसने उसे पूछा, तेरी आंखें कैसे खुल गई? 11 वचन में लिखा है, उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी मेरे आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, सीलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लग गया। उन्होंने उसे पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। इस व्यक्ति को ज्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि बेचारा तो देखता नहीं था। तो इसको जो प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, तो इस पूरी घटना का सारांश मैं जैसे बताना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ साधु की फारिसी लोग भी थे, और वो पीछे पड़ गए इस व्यक्ति का, हाथ धुल के पीछे पड़ गए इसके पीछे, अरे तुझे कैसा ठीक किया? उसने एक बार पूछा, कैसे तू ठीक किया? दूसरी बार पूछा, कैसे तुझे ठीक किया? तीसरी बार पूछा, तुझे कैसे ठीक किया? भाई जन्म से अंधा व्यक्ति है, ये जन्म से अंधे व्यक्ति को ठीक कर देना तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि चलो अगर चोट लग जाती तब अंधा होता तो डॉक्टर ठीक कर दिया, तो जन्म से ही अंधा था और एक सयाना व्यक्ति था। और फिर उन लोगों ने कहा, नहीं नहीं ये उसके जैसा दिखता है, ये नहीं हो सकता है। फिर वहाँ के व्यवस्थापक लोगों ने इस व्यक्ति के माँ बाप को बुलाया और कहा, भाई कैसे ठीक हुआ? क्या ये तुम्हारा बेटा है? वो कहते, हाँ हमारा बेटा है, लेकिन कैसे ठीक हुआ? कह रहे, हमें भी नहीं मालूम कैसे ठीक हुआ, लेकिन इतना हमें मालूम है ये व्यक्ति ठीक हो गया, ये हमारा ही बेटा है। सारांश क्या है इसका, जब 25 वचन में हम पढ़ते हैं, 25 वचन में इस प्रकार से मैं आपके लिए जस्ट पढ़ना चाहता हूँ। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं, एक बात मैं जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ।
जब उसके पीछे पड़ जाते, वो कहते हो तो पापी व्यक्ति है, बेहोशता के शब्द के दिन कैसे चंगा उसने कर लिया तुझे। वो कहता है कि मैं अंधा था, अब देखने लग गया हूँ, इतना ही मैं जानता हूँ। वो फिर जा करके वहाँ के व्यवस्थापक जो है इस बात से कभी एग्री नहीं होते हैं। जैसे मैंने कहा, अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए परमेश्वर हम सबों को उस अंधेपन से बाहर निकालना चाहता है। इस जन्म से अंधा था, इस जन्म के अंधे को परमेश्वर ने चंगा किया और ये ठीक हो गया, ये देखने लग गया। लेकिन वहां पर कुछ लोग थे जो देखते थे फिर भी नहीं देख पा रहे थे। आज ये अंधापन, आप थोड़ा अपने आप को याद करो, जब प्रभु मेरे थे आप देखते तो थे, आप देखते तो थे पर आप समझ नहीं पाते थे, जान नहीं पाते थे क्या गलत है क्या सही। लेकिन प्रभु की जो स्पर्श हमारे जीवन में उसने दिया, तो हमारा जीवन क्या हो गया, बदल गया, हमारा जीवन बदल गया और हमें देख हम पा रहे हैं। तो इस अंधपन से परमेश्वर आज हमें ज्योति में लेके आना चाहता है, हमारे जीवन को बदलना चाहता है। हमारे जीवन में अंधापन अगर आज भी है तो प्रभु इसको दूर हमारे जीवन से करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे जीवन से दूर हो। मैं इस घटना से कुछ सारांश के रूप में, एक्चुअली जो 18 वचन आप पढ़ोगे तो ये अंधापन एक्चुअली एक अविश्वास था उनका। ये क्या आज भी अविश्वास हमारे जीवन में पड़ा हुआ है? आज हम प्रभु में हैं लेकिन क्या आज भी हम लोग अविश्वास करते हैं? कई बार आपों में अविश्वासी जैसे बन जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ों में आपों में विश्वास नहीं करते हैं। अविश्वास ही सबसे बड़ा अंधापन है। 18 वचन में लिखा है, परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ कि वह अंधा था और अब देखता है, जब तक उन्होंने उसके जिसकी आंखें खुल गई थी माता पिता को न बुला दिया। आंख उनको मालूम था इस व्यक्ति को अंधा था, ये ठीक हो गया, फिर भी अविश्वास करते थे, विश्वास नहीं करते। ये अंधापन क्या अविश्वास का आज हमारे जीवन में है? प्रभु हमारे जीवन में वो ज्योति को देके देना चाहते हैं कि हम अविश्वासी नहीं विश्वासी बने। क्योंकि जब जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, उन्होंने जब भी चमत्कार करते थे कहते क्या विश्वास करता है? वो कहते हाँ प्रभु, जा तेरे विश्वास ने कर लिया। तो आज अगर हमारे जीवन में आशीष नहीं है, चंगाई नहीं है, तो अविश्वास हमारा है, इस अंधेपन से बाहर निकलने की आवश्यकता है। साथ ही वचन 27 को आप पढ़ेंगे तो लिखा है, उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, मैंने तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना। कई बार उसने कहा उनको लेकिन उन्होंने सुना नहीं। ये ना सुनना भी एक अंधापन है या बहरापन है। ये अगर हमारे जीवन में कई बार वचन की शिक्षा दी जाती है, बताया जाता है कि ये मत करो, वो मत करो, हम लोग एक कान से सुनते दूसरे से निकालते हैं, एक्चुअली ये भी अंधापन है। प्रभु से कहें, प्रभु ये अंधापन मेरे जीवन से हटा। अगर अविश्वासी हैं, ये भी अंधापन है, प्रभु इससे हटाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। बताया जाता है वचन से, वचन बताता है हमको, जब हम पढ़ते हैं फिर भी हम अनसुना कर देते हैं। प्रभु के दास हमें बताते हैं कि ये करो, उसको भी अनसुना कर देते हैं, ये भी एक्चुअली अंधापन है। घमंड 34 वचन में लिखा है, उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापी, पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? तू हमें क्या सिखाता है? घमंड उनके अंदर था एक्चुअली। उसको जो ये तो अंधा है, हमें क्या सिखाएगा, हमने तो बहुत किताबें पढ़ी हैं, हमने तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम तो बहुत समझदार हैं, हम तो ज्ञानी हैं, बहुत उच्च उच्च पद भी किए हैं, ये सब चीज़ें, ये घमंड है एक्चुअली। ये घमंड उनके जीवन में था, ये भी एक अंधापन है घमंड। क्या हमारे पास, क्या हमें आज किस चीज़ का घमंड है? अपनी खूबसूरती का घमंड है, अपने पैसे का घमंड है, अपने ज्ञान का घमंड है, अपने परिवार का घमंड है, किस चीज़ का घमंड अगर हमारे अंदर है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो ये भी अंधापन है। प्रभु से कहें, प्रभु इस घमंड से हमें तो छुटकारा दे, क्योंकि ये घमंड अंधकार के काम है। घमंड से प्रभु से कहें, प्रभु हमें बचा। जब आप
उसका 39 और 40 वचन पढ़ेंगे, लिखा है, तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते हुए देखें और जो देखते हुए अंधे हो जाएं। आत्मिक अंधापन भी एक, आत्मिक जीवन में अंधापन भी एक अंधापन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहता है कि तुम, जो आप 40 वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है, जो फारिसी उसके साथ थे उन्होंने बातें सुनकर उसे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं 40 वचन में, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु आप कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना हुआ है। ये एक्चुअली आत्मिक अंधे थे, उन्हें आत्मिक रीति से कुछ दिखता ही नहीं था, उनको अपना ज्ञान दिखता था बस, वो घमंडी थे, आत्मिक अंधापन था उनके जीवन में। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें आप सिखाएं, ये आत्मिक अंधापन हमारे जीवन से दूर करें प्रभु, अविश्वास का अंधापन, ना सुनने का अंधापन, घमंड का अंधापन, आत्मिक अंधापन प्रभु हमसे दूर करें, और प्रभु हमसे चाहता है कि हम जगत की ज्योति बने, ये उम्मीद परमेश्वर की हमसे, मेरे प्रिय भाई बहनों, ये उम्मीद परमेश्वर की हमसे है। तो मैंने आज आपको 4 बातें बताई, और मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ आई हैं। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।